साल 1994 की फैमिली ड्रामा फिल्म हम आपके हैं कौन में एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने जिस तरह से पूजा बनकर एक अच्छी बेटी, बहू, बीवी और माँ का शानदार किरदार बेहद शिद्दत से निभाया, उसके जरिए उन्होंने खूब दौलत शोहरत भी हासिल की। लेकिन दोस्तों, आप एक्ट्रेस रेणुका शहाणे की दौलत शोहरत के बारे में सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप इनके सलमान के साथ हुई अनबन से वाकिफ हैं कि किस वजह से दोनों के बीच कड़वाहट आई थी और कैसे वो सॉल्व हुई? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको एक्ट्रेस रेणुका शहाणे से जुड़ी ये सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, पर पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। काफी कम समय में बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेस बनी रेणुका शहाणे का जन्म 7 अक्टूबर 1966 को महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात की जाए इनके एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में मराठी फिल्मों से की थी, लेकिन बड़े पर्दे पर आने का अवसर इन्हें अपनी फेम फिल्म हम आपके हैं कौन से ही मिला था, जहां से न सिर्फ इन्हें अपनी असली पहचान मिली बल्कि इतनी बड़ी प्रसिद्धि भी हासिल हुई कि ये लाखों लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी। फिर क्या इसके बाद इनके पीछे मासूम, दिल ने जैसे अपना कहा और हाईवे जैसी 25 फिल्मों की बड़ी बड़ी लाइनें तो लगी, साथ ही झलक दिखला जा 4 और मेरे रंग में रंगने वाली जैसे 5 शोज भी मिले थे, जिनमें अभिनय कर इन्होंने 40 से 50 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसकी बदौलत इन्होंने मुंबई में एक शानदार घर खरीदा जो लगभग 3 से 4 करोड़ का है, जिसे इन्होंने क्रीम कलर के लाइट कलर से पेंट करवाया है और अपने इस घर को काफी क्लासी इंटीरियर डिजाइन से डिजाइन करवाया है जो इनके घर को काफी क्लासिक और सिंपल लुक देता है। वहीं इन्होंने अपने घर को शानदार झूमर, महंगे महंगे फर्नीचर और इम्पोर्टेड पेंटिंग से सजाया हुआ है, जिस पर इन्होंने लगभग 15 से 20 लाख तक खर्च किया है। इसी के साथ ये अपने ऊपर भी लाखों रुपए उड़ाती हैं। जी हाँ, ये काफी लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं, तभी तो इनके कपड़ों की कीमत 30 से 35 हज़ार होती है और ज्यादातर ये साड़ियों में नजर आती हैं। वहीं ये काफी महंगी महंगी ज्वेलरी भी कैरी करना पसंद करती हैं। वो इनके फेवरेट शूज ब्रांड है पराडा, जिसके एक शूज की कीमत लगभग 3 से 4 लाख तक की होती है। इसी के साथ इनके पास गाड़ियों का भी लग्जरी कलेक्शन है, जिसमें ऑडी, लेम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कार शामिल है। पर अब अगर बात करें इनकी अभिनेता सलमान खान से हुई अनबन की कहानी की, तो हम आपको बता दें कि सलमान खान से इनकी कोई अनबन नहीं हुई थी, बल्कि जब सलमान खान पर काले हिरण को मारने का आरोप लगाया गया था और इन्हें जेल भेजा गया था, तब रेणुका शहाणे ने उनके हक में यह सवाल उठाया था कि सिर्फ सलमान को ही जेल क्यों भेजा गया, उनके साथ तो और भी लोग शामिल थे, फिर वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? सिर्फ सलमान ही आरोपी नहीं है, अगर उन्हें सजा मिल रही है तो दूसरों को भी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, हुए ना आप भी हैरान एक्ट्रेस रेणुका शहाणे की अमीरी देखकर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी जबरदस्त खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।